आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक अभी संपन्न हुई है, जिसमें पूरे देश से अलग अलग राज्यों से राष्ट्रीय परिषद के मेंबर्स, लगभग 20 राज्यों के प्रतिनिधियों ने आज हिस्सा लिया है। उसमें अलग अलग राज्यों के प्रदेश संयोजक और संगठन के पदाधिकारी, साथ ही साथ हमारे राज्यसभा के सभी सांसद, मंत्री, विधायक, पार्षद आज के राष्ट्रीय परिषद में हिस्सेदारी किए थे। जैसा कि आपको संज्ञान है, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी आम आदमी पार्टी की बैठी थी और उसने आज के राष्ट्रीय परिषद के लिए मुख्य तौर पर कुछ एजेंडे तैयार किए थे, जिसके आधार पर आज राष्ट्रीय परिषद ने चर्चा किया। मुख्य तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद में जो चर्चा हुई, और आज राष्ट्रीय परिषद में चर्चा के बाद ये निर्णय लिया है कि आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो डिक्टेटरशिप है उसको इस देश से खत्म करने के, राष्ट्रीय धर्म को पूरा करने के लिए अपने हिस्से के दायित्व का निर्वहन करेगी। और इसके लिए जैसा मैंने कल कहा था, आज राष्ट्रीय परिषद ने उस पर मुहर लगाई है कि जहां जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत परिस्थितियों में है, जहां पर हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं, उन राज्यों में और उन लोकसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़े करेगी। दो तरह के जो विचार थे उन पर आज राष्ट्रीय परिषद ने अपनी सहमति बना ली है, और उसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़, इन राज्यों में आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। उसके अलावा अलग अलग राज्यों के राज्य समितियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने राज्य की वो रिपोर्ट तैयार करें, और वहाँ पर उस राज्य के अंदर संगठन की स्थिति, वहाँ कैंडिडेट की स्थिति, उसको रिपोर्ट हमारे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी को राज्य समितियाँ सौंपेगी, और उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर कमेटी उन राज्यों में किन सीटों पर चुनाव लड़ना है इसका निर्णय करेगी। दूसरी बात जो जिस पर आगामी लोकसभा चुनाव में मुख्य जो बिंदु आम आदमी पार्टी के होंगे, जिसको लेकर के कैंपेन किया जाएगा, आज उस पर विस्तार से अलग अलग प्रस्ताव राष्ट्रीय परिषद में रखे गए जिस पर चर्चा हुई है। पहला बिंदु, सुबह जो पहला प्रस्ताव आया, इस देश के अंदर जो किसानों की समस्याएं हैं उसको लेकर के, और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को पिछले लोकसभा चुनाव में जोर शोर से कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी और किसानों के फसल का दाम 1.5 गुना दिया जाएगा, कर्ज माफ़ी किया जाएगा। इस एजेंडे को आम आदमी पार्टी अपने लोकसभा चुनाव में प्राथमिकता पर रखेगी, और परिषद ने ये सहमति दी है कि इस सरकार से ये मांग उठाई जाए कि अब आखिरी पड़ाव पर नरेंद्र मोदी की सरकार है, जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को जो उन्होंने वादा किया था उसे पूरा करें। दूसरा प्रस्ताव जिस पर विस्तार से चर्चा हुई, महिला सुरक्षा को लेकर, मोदी सरकार पूरी तरह से महिला सुरक्षा के मामले में फेल साबित हुई है। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार का नारा पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है, बल्कि इसके उलट महिलाओं को सुरक्षा देना तो दूर की बात है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के घटनाओं में लिप्त पाए गए और पूरी सरकार उसको बचाने में जिस तरह से खड़ी हुई, वो इस बात को दर्शाता है
कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए जुमला से ज़्यादा नहीं है। राष्ट्रीय परिषद ने भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सुरक्षा को लेकर के जो दृष्टिकोण है और जिस तरह की कार्रवाई है उसकी निंदा की है, और राष्ट्रीय परिषद की ये मांग है कि भाजपा इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। तीसरा जो बिंदु जिस पर विस्तार से चर्चा हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी का नारा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन राफेल सौदे में जिस तरह की दलाली का मामला पूरा सामने आया है, सारी कोशिशों के बावजूद लीपापोती करने की सारी ताकत और सारी बेवकूफियां लगातार इस देश के सामने उजागर होती जा रही हैं। राष्ट्रीय परिषद ने इस पर विस्तार से चर्चा किया और इस बात पर भी राष्ट्रीय परिषद ने सोचा कि राफेल सौदे को लेकर के बहुत सारे पार्टियों ने, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन आखिर केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के ऊपर ही 5,000 करोड़ का मानी हानि का जो है दावा क्यों किया जाए? किस बात से डर लगता है आम आदमी पार्टी से? राष्ट्रीय परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तीन बातों को स्पष्ट करे। पहला कि इस देश के अंदर राफेल का जो पहले जो मूल्य तय था उसे क्यों बढ़ाया गया। दूसरा, एक सालों साल आजमाई हुई कंपनी HAL को जो टेंडर दिया, जो काम दिया गया था उसे लेकर के 14 दिन 15 दिन पहले बनाई गई अंबानी की कंपनी को काम क्यों दिया गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो आज चिंता व्यक्त की गई कि पूरे देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने मोदी सरकार ने झूठ क्यों बोला, झूठा एफिडेविट क्यों दाखिल किया। अगर गलत नहीं है तो, अगर किया नहीं है तो डर किस बात का है? और इसलिए ये बात दिख रही है कि ये पूरी सरकार राफेल दलाली के मामले को दबाने के लिए नीचे से लेकर के ऊपर तक लगातार झूठ बोल रही है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने यह तय किया है कि इनका पोल खोल अभियान पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी जो है लोगों तक पहुंचाएगी कि किस तरह से ये लगातार झूठ बोल रहे हैं और अदालत तक झूठ बोलते हैं। तो तीसरा प्रस्ताव इसको लेकर के राष्ट्रीय परिषद में जो है वो पारित हुआ है। दूसरे सत्र में दिल्ली के अंदर जो शिक्षा और रोजगार को लेकर के जो प्रयोग चल रहे हैं उसको लेकर के चर्चा हुई है। राष्ट्रीय परिषद ने, पार्टी ने एक वीडियो तैयार किया है 5 मिनट का, और वो वीडियो सभी राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को ये प्रस्ताव पारित हुआ है, वो वीडियो लेकर के हम देश के कोने कोने में जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि अगर देश को बदलना है तो शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए ज़रूरी है। उसी तरह से स्वास्थ्य को लेकर के उसको लेकर के भी हम देश भर में जाएंगे। साथ ही साथ आखिर में इस बात पर हम लोगों ने चर्चा किया और सभी इस बात पर सहमत हुए हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ, लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका को निभाने के साथ साथ देश में मोदी सरकार को हटाने के लिए जो भी एक दूसरे को सहयोग की ज़रूरत होगी हम करेंगे, और पूरे देश के अंदर इस तानाशाहीपूर्ण सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। मैं पंकज जी से चाहता हूँ कि और जो राष्ट्रीय परिषद में संगठन को लेकर के प्रस्ताव आए उन्हें चर्चा करें। पिछले कुछ दिनों से कई अटकलें लगाई जा रही थी कि राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल कैसा रहेगा या क्या संविधान में संशोधन होगा, तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आज राष्ट्रीय परिषद में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई कि आगामी आने वाले समय में, जबकि 23 अप्रैल को हमारी इस राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल समाप्त होता है, तो उसके संदर्भ में क्या किया जाना चाहिए। तो सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया कि चूँकि अभी आने वाले समय में दिल्ली के लोकसभा चुनाव में और फिर उसके कुछ ही समय बाद, कुछ महीनों के बाद दिल्ली के विधानसभा के चुनाव होंगे, तो इसको देखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस परिषद की कार्यविधि को 1 साल और बढ़ाया जाए। सभी ने मिलकर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति के साथ पास किया है और ये तय किया है कि या तो 1 साल तक या उससे पहले जब भी चुनाव हो सके तब इस राष्ट्रीय परिषद का गठन दोबारा किया जाए।